नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। आपके साथ मैं हूं देवंद सिंह। समाजवादी पार्टी यानी कि सपा दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है, लेकिन कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखती। आपने कई बार देखा होगा कि नेता जनता को धक्का देते हैं, नेता दूसरी पार्टी के नेता को धक्का देते हैं, लेकिन कभी आपने देखा है कि पार्टी का नेता अपने ही पार्टी को धक्का मार दे? जी हाँ, ऐसा ही कारनामा किया है समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। वैसे सपा में धक्केबाजी का कारनामा कोई नया नहीं है। इससे पहले भी सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ये कारनामा किया है, जहाँ पर खुद अखिलेश यादव ने अपने चाचा और पिता को धक्का मार दिया था। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हजरतगंज के पास बालू अड्डा इलाके के पास गंदा पानी पीने से काफी लोग बीमार हो गए थे। इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया था। इस दौरान प्रदर्शन में पहुंचे पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता और रविदास मल्होत्रा को कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन से धक्का मार दिया और वहां से भगा दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद कार्यकर्ताओं ने एक और वीडियो जारी किया और उस पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान वह पूर्व मंत्री को पहचान नहीं सके थे, जिसकी वजह से उनको धक्का मार दिया गया। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि चलिए मान लीजिए आपने पूर्व मंत्री को नहीं पहचाना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप आम व्यक्ति के साथ भी ऐसा व्यवहार करें। इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए नगर अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। माननीय रविदास मल्होत्रा जी, जो पूर्व में मंत्री रहे कैबिनेट में उत्तर प्रदेश में, ये जब आए तो मैं इनको पहचान नहीं पाया। चूंकि गर्मी का माहौल था, हमको चक्कर सा आ रहा था, हमको समझ में नहीं आया कि ये माननीय मंत्री जी हैं और हम समझे कि कोई कार्यकर्ता है। इसलिए पीछे से हमने धीरे से मंत्री जी से खिसकने के लिए कहा, लेकिन जिसको पूरे लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दुष्प्रचार करके मोबाइल पर इसको वीडियो को वायरल करने का काम किया है, ये बहुत ही गलत बात है और जिस तरीके ये काम कर रहे हैं ये गलत है। तो सुना आपने कि वह सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र में बालू अड्डे पर गंदा पानी पीने से कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वह इस प्रदर्शन में खुद ही पूरी तरीके से गिरते हुए नजर आ रहे हैं और नगर आयुक्त को हटाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता रविदास मल्होत्रा भी इस प्रदर्शन में पहुंचे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उन्हें धक्का दे दिया और वहां से भगा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी अब अपने लोगों का सम्मान नहीं करती है तो फिर दूसरों का करेगी तो कैसे। हालांकि इसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो कार्यकर्ताओं ने रविदास के साथ बैठकर एक वीडियो जारी किया और जमकर सफाई दी कि वे अपने वरिष्ठ नेता को अब पहचान नहीं सके थे। ऐसे में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा और जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।